hello there everyone so what are we going to do today today we will talk about sentences aaj hum ki sentences kya hote hindi mein sentences ko bolte hain so what are sentences it is a group of words that makes complete sense it begins with a capital letter and ends with a full stop it can express an idea ask a question give a command or request और सिंपली मेक अ स्टेटमेंट एक सेंटेंस क्या होता है एक सेंटेंस होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम सीक्वेंस में लगाते हैं अगर वो हमारे को कम्प्लीट मीनिंग समझा देता है तो वो सेंटेंस होता है अगर वो कम्प्लीट मीनिंग नहीं बताता है तो वो सेंटेंस नहीं होता है वो खाली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं ठीक है सो सेंटेंस so क्या है दोबारा से समझिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस जो हमारे को कोई मीनिंग पूरी तरह से समझाता है वही सेंटेंस होता है अनदर थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज सेंटेंस जो भी स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है एक फुल स्टॉप से सेंटेंस एक आइडिया भी बता सकता है एक्सप्रेस कर सकता है स्टेटमेंट भी बता सकता है रिक्वेस्ट भी कर सकता है क्वेश्चन भी पूछ सकता है कुछ भी हो सकता है

It is a hot day. Jab may read out karno apka kut hai? Yes. So this is a sentence and it starts with a capital letter and ends with a full stop. So this is a sentence. Number three, Ram is a. Does this make any sense? No. So this is not a sentence. Number four, Ram is a boy. Does this make sense? Yes. सो दिस इज़ अ सेंटेंस एंड इट स्टार्ट विद द कैपटल लेटर एंड एंडस विद द फुल स्टॉप नंबर फाइव द बेबी इज क्राइंग डज इट मेक सेंस येस बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस ये सेंटेंस नहीं है ये सेंस बनाता है आपको मीनिंग समझा रहा है पर यह सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस क्यों नहीं है क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है और एंड में इसका फुल स्टॉप नहीं है नंबर सिक्स द बेबी इज़ क्राइंग is this a sentence yes this is a sentence because it starts with a capital letter and ends with a full stop very good so i hope you have understood what is a sentence now let's talk more about the sentence a sentence is always divided into two parts the first part is the subject and the second part is the predicate sentence johotahe would दो भाग में डिवाइड होता है एक होता है उसका सब्जेक्ट और एक होता है उसका प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है द सब्जेक्ट इज वॉट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं उसका सब्जेक्ट आप एग्जाम्पल देखिए द कैट इज स्लीपिंग वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस द कैट सो इट इज द सब्जेक्ट अब ये जो सेंटेंस है द कैट इज स्लीपिंग अब इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम द कैट के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट द कैट होता है इसका सब्जेक्ट ओके अब वॉट इज द कैट डूइंग अब कैट क्या कर रही है इट इज स्लीपिंग सो इट इज द प्रेडिकेट सो प्रेडिकेट क्या होता है इट इज दार्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज That tells you about what the subject is doing or what the subject is. अब प्रेडिकेट क्या होता है दो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट हमने क्या बोला था कि आपका सेंटेंस टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट उस सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट और जो आपके सब्जेक्ट के बारे में बात करता है या बताता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं द बेबी इज क्राइंग ओके ना वॉट इज द सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं द बेबी सो द बेबी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और हमारे को बेबी के बारे में इस पार्ट सेंटेंस के कौन सा पार्ट हमारे को बेबी के बारे में बता रहा है इज क्राइंग सो इस क्राइंग क्या हो जाएगा उसका प्रेडिकेट एक और एग्जाम्पल देखें देखते हैं द सन सेट्स इन द वेस्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में द सन तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट यस वेरी गुड और द सन के बारे में हमारे को जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस बता रहा है वो क्या हो जाएगा प्रेडिकेट यस सेट्स इन द वेस्ट तो सेट्स इन द वेस्ट आपका प्रेडिकेट और सन हो गया आपका सब्जेक्ट एक बारी फिर से द सन सेट्स इन द वेस्ट सो द सब्जेक्ट विल बी द सन

एक सेंटेंस हमेशा टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है अ सेंटेंस इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज व्हाट और होम वी आर स्पीकिंग अबाउट इन द सेंटेंस एंड द प्रेडिकेट इज व्हाट टेल्स अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट तो आपका सब्जेक्ट क्या होता है जिस बारे में या जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट और जो हमारे को सब्जेक्ट के बारे में और बताता है वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेडिकेट ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टुड जस्ट लीव अ मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल गेट बैक टू यू